बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक ज़हीर और आप देख रहे हैं तारिक ज़हीर लेक्चर YouTube चैनल। सबसे पहले वही रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो लेक्चर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हो सके तो अच्छे कमेंट्स भी करें ताकि मज़ीद बेहतर से बेहतर वीडियोस आपके पास आते रहें, आपकी इंफॉर्मेशन में नॉलेज में इजाफा होते रहे और हम अपने कामयाबी के साथ अपने चैनल को चलाएं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सब्जेक्ट है कमर्शियल ज्योग्राफी, सेक्शन है कमर्शियल ज्योग्राफी फॉरवर्ड। हमारा ये टॉपिक वर्ल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज का ना सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बल्कि उन तमाम अफराद के लिए भी जो करंट अफेयर से, जनरल नॉलेज से दिलचस्पी रखते हैं, दुनिया के हालात से दिलचस्पी रखते हैं, जानना चाहते हैं, अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, उसकी तरह प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करना चाहिए उनके लिए, सबके लिए एक मुफीद चैनल है, वो मुफीद टॉपिक है। तलबा तालबात के लिए जो मैट्रिक के स्टूडेंट, इंटर के स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, वो अपने स्टडी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अपनी काबिलियत में इजाफा कर सकते हैं, अपने इम्तहान के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा तमाम अफराद स्टूडेंट भी मुस्तकबिल के लिए इन चीज़ों को देखते हुए वो बेहतर प्लानिंग, बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। ऐसी बात है, जैसे हमारा टॉपिक का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज जाहिर कर रहा है, मौशी सरगर्मियाँ, आलमी मौशी सरगर्मियाँ, यानी मौशी सरगर्मियाँ किसी खत्ते के लिए भी होती हैं और पूरे होल्ड वर्ल्ड के लिए भी होती हैं। लेकिन जैसे दुनिया के हालात आजकल चल रहे हैं, हर तरफ मौशी इनताद आया हुआ है, फाइनेंशियल डिफिशेंसी पैदा हो रही है, मौशी गिराव नीचे गिर रहा है, क्योंकि एक वबा कोरोना जो चल रही है उसके सामने बड़ी बड़ी आदमी ताकतों ने, मौशी रुपोजी ताकतों ने घुटने टेक दिए। अगर ये वबा मजीद चलती रही तो हो सकता है कि आगे जाके बहुत ही ज्यादा सिचुएशन खराब हो जाए और डेवोल्यूशन पैदा हो जाए, डिफिशेंसी पैदा हो जाए, लोग एक दूसरे से लड़ने लगे, जंगे शुरू हो जाए। तो बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों को समझें, जाने और मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग करें कि मुस्तकबिल के हालात का कुछ अंदाजा नहीं है। ये वाले काम एक्टिविटीज हैं, ये आपको ये बताएगा कि मौशी रुपयात दुनिया किस तरह की चलती रही, किस किस सेक्टर में काम होता रहा है, कौन कौन से सेक्टर्स दुनिया में हैं, दुनिया की मजमुई जी डी पी, कुल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितनी है, उस किस सेक्टर का उसमें ज्यादा हिस्सा है, किस सेक्टर का उसमें कम हिस्सा है, लोग ज्यादा तादाद, हाई परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, कौन से शोबे में, कौन से सेक्टर में ज्यादा है, कौन से सेक्टर में कम है, ये चीज आप इसी चीज को देखते हुए समझ सकते हैं, जान सकते हैं और बेहतर प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा, लेकिन कमर्शियल, आइए हम सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, इकोनॉमी और कमर्शियल एक्टिविटीज। जो आपस के दरमियान थोड़ा एम्बिग्यूटी है, लेकिन वो एम्बिग्यूटी ऐसी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा इख्तलाफ है, सिर्फ ये है कि इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटीज होती क्या है, दोनों सेम है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है जस्ट किसी शख्स के लिए मेकिंग ऑफ लिविंग इन रिलेशन टू दिस एनवायरमेंट, अपने एनवायरमेंट में रहते हुए जो कुछ वो गुजर खात के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करता है, उन एक्टिविटीज को आप विद इन अ रीजन, विद इन अ लोकेशन, विद इन अ स्पॉट लोकेशन कॉल इकोनॉमिक एक्टिविटी। जब लेकिन जब इसमें ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन ऑफ अदर रीजन शामिल हो जाती है तो इट कम इट बिकम्स कमर्शियलिज्म, कमर्शियल एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्मॉल स्केल एक्टिविटीज है, कमर्शियल एक्टिविटीज लार्ज स्केल एक्टिविटीज है। लेकिन हमारा इन चीज़ों को सिर्फ हम लोग समझने के लिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम देखते हैं व्हाट इज ज्योग्राफी, कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड जी एंड ग्राफियन, यानी ज्योग्राफी इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड जी एंड ग्राफियन। जी मीन्स जियो अर्थ एंड ग्राफियन मीन्स टू राइट, दुनिया के मुताल्लिक, अर्थ के मुताल्लिक लिखना। अब क्या लिखना, आपकी जो वर्ल्ड है, आपका जो प्लानट है, इस पर जो भी इल्म है, कुछ अभी तहकीकात हुई है उसका लिख। लेकिन हम ज्योग्राफी को थोड़ा शिफ्ट करते हैं अप टू क्लाइमेटिक स्टडी, वेदर स्टडी, इकोनॉमिकल स्टडी, कल्चर स्टडी, एनवायरमेंटल स्टडी, बिहेवियर, पॉलिटिकल बिहेवियर स्टडी, इस तरह की एक्टिविटीज को हम ज्योग्राफी में शामिल करते हैं, इसके बतौर मजमून इसको हम पढ़ते हैं। इसी तरह हम आए थे हमें ज्योग्राफी की तरफ, वुमेन ज्योग्राफी इस आज के टॉपिक से रिलेटेड है, हमने इसको शामिल किया है। वुमेन ज्योग्राफी होता क्या, स्टडी ऑफ द पीपल, कम्युनिटीज, कल्चर, बिहेवियर, इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा, इज कॉल्ड वुमेन ज्योग्राफी। यानी कि जब हम
लोगों को मुताला इस तरह करें कि उनके आपस के ताल्लुकात, कम्युनिटीज के बारे में मालूम, कल्चर को स्टडी करें, बिहेवियर्स उनका स्टडी करें, इकोनॉमिक्स को स्टडी करें। तो क्योंकि इंसान से रिलेटेड है, ह्यूमन बींग से रिलेटेड एक्टिविटीज है, तो हमें ज्योग्राफी में जाते हैं। अब जैसे हमने कहा कि हमें ज्योग्राफी में एक चीज हम इकोनॉमिक भी होती है जिसमें स्टडी करते हैं, तो वो इकोनॉमिक ज्योग्राफी बन जाती है, जो कि ब्रांच होगा ह्यूमन ज्योग्राफी की। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज मेकिंग ऑफ द लिविंग ऑफ अ मैन इन रिलेशन टू कल्टीवेशन का एरिया है, तो वहां पर ज्यादा जो लोग हैं उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी टी कल्टीवेशन, टी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और कम्युनिकेशन से मुताल्लिक रहेगी। तो उससे मुताल्लिक वो काम करता रहेगा, उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे अपने। लेकिन जब उसकी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, प्रोडक्शन दूसरे रीजन के साथ जाएगी ट्रांसफर के लिहाज से, तो उसको आप जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज कहेंगे। जर्मन ज्योग्राफर डॉर्स इस तरह से डिफाइन करता है इकोनॉमिक ज्योग्राफी को कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर एज वर्ल्ड एरिया, यानी कि कुदरत की जो नेचर है, फितरत जो है, उसकी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करता है इन इन देयर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। उसका प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पे डायरेक्ट इन्फ्लुएंस क्या है, हर रीजन का अपनी प्रोडक्शन होती है। लेकिन ऐसे बात है, अगर उसकी कमर्शियल बुनियादों पर प्रोडक्शन हो रही है तो वो सारा अपने रीजन में नहीं रखेगा, उसको ट्रांसफर करेगा दूसरे रीजन में, दूसरे एरिया में। लेकिन अगर अपने एक ही रीजन के लिहाज से हम रखें तो उसकी टेबुलेशन होगी, प्रोडक्शन का डेटा बनाया जाएगा, एरिया का डेटा बनाया जाएगा, और ये चीजें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में शामिल कर ली जाएंगे। इंटर रिलेशनशिप को फिर दूसरे चीज को कमर्शियल ज्योग्राफी में आ जाएगी। इसी तरह हम कमर्शियल ज्योग्राफी की तरफ आते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी डीलिंग इन ट्रेड, इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी डीलिंग इन ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। कमोडिटीज अशिया, साधु सामान, चीजें जो आप यूज करते हैं, जो आपके लिए यूजफुल है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, इन मीनिंग ऑफ यूजफुल एक्सचेंज कॉल्ड कमर्शियल ज्योग्राफी। यानी कि आप जो है एक ऐसी इकोनॉमिक ज्योग्राफी की ब्रांच है, तो कमर्शियल ब्रांच है इकोनॉमिक ज्योग्राफी की, लेकिन लार्ज स्केल पे आ गए, तो इसको हमने लार्ज स्केल पे स्टडी कर लिया, कमर्शियल ज्योग्राफी का नाम दे लिया। लेकिन ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोडक्शन ऑफ कम्युनिटीज, ये नहीं आप यूजफुल एक्शन कॉल कमर्शियल ज्योग्राफी, जो मुश्किल नहीं ज्यादा समझना। नाउ वी कम अगेन टू डेफिनेशन ऑफ द जर्मन ज्योग्राफर गॉट से what for about the commercial ज्योग्राफी। कमर्शियल ज्योग्राफी प्रेजेंट समरीज पीरियडिकली ब्राउड अप टू डेट ऑफ द प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ द प्रिंसिपल कम्युनिटीज ऑफ द वर्ल्ड सेड अगेन इज वेरी गुड ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड। मैंने आपको पहले ही बताया कि दुनिया में हर सैकड़ों खत्ते हैं, हर खत्ते की आबो हवा, मौसम, माहौलिया, सियासत, प्रोडक्शन, इकोनॉमिक एक्टिविटी, सब अलग अलग हैं। उस बुनियाद पर जब हम समरीज बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं, उनको स्टडी करते हैं विद होल ऑफ इंफॉर्मेशन, इट बिकम्स अगेन ज्योग्राफर गॉड्स कमर्शियल ज्योग्राफी। नाउ वी कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक कमर्शियल एक्टिविटीज। इसलिए हम इसको कमर्शियल एक्टिविटीज कहना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटीज लार्ज स्केल पर स्टडी कर रहे हैं। तो देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ द कमर्शियल एक्टिविटीज और यू मे से इकोनॉमिक एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शियरी एक्टिविटीज, क्वार्टरनरी एक्टिविटीज एंड क्यूनरी एक्टिविटीज। We further classify primary activities in hunting, fishing, agriculture, mining, livestock and dairy farming, gathering and forestry. Then you are watching a graph, bar graph and a world map. This world map showing GDP per capita income of the world. वो वाले जो ज्यादा खुशहाल हैं उनका GDP per capita यानी per capita income ज्यादा है। यानी कि जैसे हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल दी थी कि लग्जमबर्ग वो मुल्क है जहाँ इस वक्त दुनिया में per capita income सबसे ज्यादा है, 1,33,000 डॉलर पर ईयर। यानी कि हर शख्स सालाना औसतन 1,00,000 एवरेज
1,33,000 डॉलर हमारे से पास सोच रहे तकरीबन 33,000 डॉलर से ज्यादा कमा रहा है। statistics.com के लिहाज से, विकिपीडिया के लिहाज से ये रेफरेंस है, मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा यूएस है वो पांचवें, कतर है पांचवें नंबर पर, 69,000 डॉलर से ज्यादा वहाँ के लोग कमा रहे हैं हर साल। इसके अलावा जो है यूएस है वहाँ के शहरी जो है 65,111 डॉलर पर ईयर कमा रहे हैं पर कैपिटल। हमारे मुल्क पाकिस्तान का पर कैपिटल इनकम 1,388 डॉलर पर ईयर है हर साल। हर शख्स पाकिस्तान में पाकिस्तान के आबादी 22,21,00,000 के लगभग हो चुकी है विकिपीडिया के मुताबिक। तो हर शख्स 1,388 डॉलर कमा रहा है और 1,388 डॉलर को आप साल में 365 तकसीम करें तो आपको सामने आपके आ जाएगा नतीजे का, एक दिन में एक शख्स पाकिस्तान में औसतन कितना कमा रहा है। रिचार्ज इशू कर रहा है रिजन कलर के लिहाज से, इसमें 1,69,696 डॉलर से ज्यादा इंटरनेट डॉट ब्राउन कलर है, वो सिर्फ पर है जो आपकी यूरोप के बस शुमाल बस में आपको नजर आ रहा होगा। इसके अलावा हम ऊपर देखते हैं, इसलिए इस चीज को आपको बता दूँ कि पाकिस्तान जो 51 नंबर पर कैपिटल जीडीपी के लिहाज से और नॉमिनल जीडीपी और सबसे कम जीडीपी पर कैपिटल इनकम जो है साउथ सूडान का है 250 डॉलर पर। ये चीज हो गई। अब हम ये बार ग्राफ देखते हैं। इस बार ग्राफ के लिहाज से हमने दुनिया को 3 हिस्सों में तकसीम किया है, लीस्ट डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप कंट्री एंड हाई डेवलप कंट्री। तो यह आप आसानी से समझ सकते हैं जो हाईली डेवलप कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में एडवांस इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि टर्शियरी ऑर्डिनरी और क्यूनरी वो ज्यादा है, जो कि आपको डार्क ब्राउन कलर से टर्शियरी के लिहाज से आपको समझ में आ रहा होगा। इसका सेकेंडरी एक्टिविटीज डेवलप कंट्रीज में ज्यादा है और प्राइमरी एक्टिविटीज अंडर डेवलप कंट्रीज में ज्यादा है। और एक बात मैं आपको फिर बताना चाहूँगी, वबा की वजह से दुनिया का माशी ग्राफ नीचे गिर रहा है, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों की आमदनियों में कमी आ रही है, डिपेंडेंसी पैदा हो रही है, लोग घबराहट का शिकार है, हुकूमत घबराहट का शिकार है। अगर ये बहुत ज्यादा अर्सा जारी रही तो बहुत ही ज्यादा जो है एक क्या कह सकते हैं तबाही का शिकार हो सकती है दुनिया, माशी तौर पर डैमेज हो सकती है और जंगों की सूरत इख्तियार कर सकती है, हालात जो है जंगों की सूरत इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि लोग जो है एडवांस टेक्नोलॉजी से सेकेंडरी की तरफ आएंगे, उसके बाद वो प्राइमरी एक्टिविटीज की तरफ आ जाएंगे। और फिर भी अगर कुछ नहीं रहा तो उसके बाद जो हालत होगी, क्योंकि प्राइमरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज है हम बाद में डिफाइन करेंगे, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ। यहाँ डिफाइन करते हैं इकोनॉमिक और कमर्शियल एक्टिविटीज। बिफोर डिफाइनिंग एक्टिविटी यू मस्ट नो दैट वी क्लासिफाई दिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेवल इन नेचर। ऐसे एक चीज, हम जो एक्टिविटीज होती है कमर्शियल एक्टिविटीज होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इसका एक अलग लेक्चर रखेंगे हम, अगला लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर जो है वो यही हुआ, लेकिन हम उसका नाम रखें एडवांस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। वो समझना भी आपको प्रोग्राम में दर्ज भी है ताकि आपके हाफिले में इंफॉर्मेशन में इजाफा हो, अपने आपको अपडेट करते रहें। ज्यादा फिर कैसे कि हमारे चैनल को वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। बाय नेचर भी करते हैं, बाय लेवल भी करते हैं। ये जो हम एक्टिविटीज हमने क्लासिफाई करी है ये बाय लेवल करी है। बाय लेवल का मतलब है ऐसे बात है, लेवल जिन बुनियाद पर बनता है, जैसे लेवल जो है लोगों का दौलत की बुनियाद पर होता है, इसी तरह लेवल लोगों का उनके काम की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर होता है। ये वो लेवल है जो काम की बुनियाद पर, काबिलियत की बुनियाद पर। लेकिन उस चीज को भी समझने से पहले हम जरा यहाँ आ जाते हैं कि प्राइमरी एक्टिविटीज होती क्या है। ठीक है, दो एक्टिविटीज प्राइमरी एक्टिविटीज, दो एक्टिविटीज इन विच वी गेट थिंग्स डायरेक्टली फ्रॉम द नेचर इन रॉ फॉर्म कॉल्ड प्राइमरी एक्टिविटीज। वो एक्टिविटीज होती हैं जिसमें लोग चीजों को रॉ फॉर्म की सूरत में, रॉ मटेरियल की सूरत में डायरेक्टली नेचर से हासिल करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, रॉ प्रोडक्शन कहलाती है। इस चीज को हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। एग्जाम्पल्स आर रॉ पेट्रोलियम, वेजिटेबल्स, ओस, कच धातें होती हैं, मादनियात की, मेटल्स की, उसको कहते हैं। अब इन चीजों का जो काम होता है एक्चुअली, ये लोग प्राइमरी सेक्टर जो होता है ये वो सेक्टर होता है जिसमें काम करने वाले रेड कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं, जिसमें काम करने वाली वर्कफोर्स रेड कॉलर वर्कफोर्स कहलाती है। इनकी आमदनियां कम होती है, काबिलियत कम होती है, स्किल कम होती है, जिसमानी मेहनत मजदूरी का काम ज्यादा लिया जाता है, वही काम ये कर सकते हैं, दूसरे सेक्टर में इनकी गुंजाइश नहीं होती। लेकिन एक बात ये याद रखी जाए कि दुनिया का आबादी का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो
प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में काम करने की वजह से जीडीपी जो भेजेगा मजबूत, ये अगर एडवांस हो जाए वो मजीद बढ़ सकता है। भारत फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि 2018 तक दुनिया की कुल आबादी का 60% हिस्सा, जिससे 50% हिस्सा एग्रीकल्चर से वापस आ, जो कि प्राइमरी सेक्टर से ताल्लुक रखता है, 60% हिस्सा वो प्राइमरी सेक्टर से ताल्लुक होता है, यानी कि 60% वर्क फोर्स वो प्राइमरी सेक्टर से ताल्लुक रखती है, और लिंक डेवलप कंट्रीज में ज्यादा होती है, दूसरे नंबर पर डेवलप कंट्रीज में, और बहुत ही कम तादाद में हाईली डेवलप कंट्रीज में होती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती है, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ फॉर्म्स इनटू वन दैट इज यूजफुल अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर बाय मैन्युफैक्चरिंग कार्ड सेकेंडरी। जब रॉ मटेरियल हमारे सामने आ जाता है तो उस हर रॉ मटेरियल को एनर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको अपने ख्वाहिश के मुताबिक कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको अपने डिजायर के मुताबिक तब्दील कर सकते हैं, लेकिन किस तरह, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के जरिए। जैसे पेट्रोलियम रॉ फॉर्म में अगर निकल रही है तो वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता है, उसको रिफाइनिंग पहुंचाया जाता है, साइंटिफिक तरीका अप्लाई किए जाते हैं, साइंटिफिक प्रोसीजर अप्लाई किए जाते हैं, फिर उसी में से जो है एलपीजी निकाला जाता है, पेट्रोल निकाला जाता है, डीजल, लाइट डीजल, फर्नेस ऑयल और मुख्तलिफ किस्म के प्रोडक्ट्स में मिट्टी का केरोसिन तेल, मिट्टी का ऑयल जो है उसमें से निकाला जाता है। एग्जाम्पल इसकी जो है क्लॉथ, टूल्स एंड फर्नीचर सेकेंडरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी, अच्छा सेकेंडरी एक्टिविटी में काम करने वाले लोग ज्यादातर जो है वो ब्लू कॉलर जॉबर्स कहलाते हैं, ब्लू कॉलर वर्कफोर्स कहलाते हैं, इनकी आमदनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर काम करने वालों से थोड़ी ज्यादा होती है। इसके बाद हम आते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज। दिस डेज विद द कंबिनेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज एनहांसमेंट बाय यूजिंग ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, यानी ये सर्विस सेक्टर है, और इस सर्विस सेक्टर में प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को दोनों कंबाइन करते हैं और सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, ताकि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसको हम जो है वो ट्रांसफर कर सकें और यूटिलाइज कर सकें, कंज्यूम कर सकें। इसमें पिंक कॉलर वर्कर्स ज्यादा आते हैं, इनके काबिल प्राइमरी सेकेंडरी के मुकाबले में ज्यादा होती है। ऑर्डरली एक्टिविटीज क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अहब ऑफ हाईली प्रोफेशनल पीपल एंगेजिंग इन बिटवीन वर्क फोर्स एंड ओनर और डिसीशन मेकर, दे आर हाईली पेड सर्विस प्रोवाइडर कॉल्ड व्हाइट कॉलर जॉबर्स, जैसे एम्प्लॉय आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से। ऑर्डिनरी एक्टिविटीज वो होती है जिसमें ऐसा प्रोफेशनल तबका होता है जो काबिल होता है, महारत जिनमें ज्यादा होती है, और हाईली पेड प्रोफेशनल इसमें होते हैं। ये वर्क फोर्स के दरमियान और प्लानर्स के दरमियान, डिसीशन मेकर के दरमियान पुल का काम करते हैं, इसलिए इनको ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में शामिल किया जाता है। इसमें एम्प्लॉय एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रोफेशनल वर्कर होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, एडवोकेट, इस टाइप के लोग इसमें होते हैं, और इनके लिए जाहिर सी बात है वर्किंग इन ऑफिस बिल्डिंग और स्पेशलाइज्ड एनवायरनमेंट का होना लाजमी है, कि काबिल लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं। इसके बाद हम आते हैं बॉर्डर एक्टिविटीज जो है वो व्हाइट कॉलर जॉबर्स कहलाते हैं, ये हम आप क्वार्टर क्यूरी एक्टिविटीज की तरफ आते हैं। अब हम अहब ऑफ हाई लेवल डिसीशन मेकिंग रोल इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, हियर कम्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रैंक मैन लाइक बॉसेस, डायरेक्टर, ओनर्स, लीडर्स, रिसर्च साइंटिस्ट, गवर्नमेंट एंड लीगल अथॉरिटीज, फाइनेंशियल एडवाइजर एक्सेट्रा, यानी कि ये वो सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटी का सबसे ज्यादा हाई, इसमें ऑनर प्रोनर्स आते हैं, रिसर्चर्स आते हैं, साइंटिफिक रिसर्चर्स आते हैं, लीडर्स आते हैं, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये वो तबका आता है, इसे क्यूरी एक्टिविटीज में शामिल करते हैं, और ये गोल्ड कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। ये चीज आपको समझ में आएगा कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नाउ वी आर डिफाइनिंग द प्राइमरी कमर्शियल एक्टिविटीज। हमने जैसे आपको पहले बताया कि प्राइमरी इस क्लासिफिकेशन में कि प्राइमरी की मजीद क्लासिफिकेशन करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन जो है इसमें हंटिंग, गैदरिंग, माइनिंग, फॉरेस्ट्री, लंबरिंग, एनिमल कीपिंग, एग्रीकल्चर सब चीजें शामिल हो जाए। दुनिया की कुल आबादी का 60% हिस्सा है, जैसे कि मैंने आपको बताया वो जो प्राइमरी सेक्टर में शामिल है, जिसमें 50% एग्रीकल्चर में शामिल है अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत से प्रोफेशनल तो ये भी कहते हैं कि दुनिया के कुल जीडीपी का 34% जीडीपी वो प्राइमरी कमर्शियल एक्टिविटीज से हासिल होता है। देखते हैं कंट्री गैदरिंग मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ एक्टिविटी ऑफ मैन फॉर हेडिंग फूड इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ लिविंग एज एन ओल्डेस्ट ऑक्यूपेशन टू कॉल्ड गैदरिंग। गैदरिंग दुनिया का सबसे ज्यादा पुराना पेशा है। जब दुनिया में इंसान आया, आदमी का कदम रखा, तो जाहिर सी बात है उसको जरूरत पड़ी चीजों की, जस्तु उसने करी,
वैसे भी कह रहे थे याद की माँ है, तो उसके तहत उसने काम किया, जस्टू जी की तहकीकत करी, चीजों खाने के लिए गैदर करता, जानवरों का शिकार करता, फल कच्चे फल खा जाता, और इस तरह की चीजें वो करके जो है गैदरिंग से फायदा उठाता है, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी अंजाम देता है। इट इज killing and trapping of animal and bird is one of the oldest occupation of the world. यानि के hunting है क्या? Killing and trapping of animals and bird is one of the oldest occupation. यानि कि दुनिया का ऐसा पुराना शोभा पेशा जिसमें जानवरों को और परिंदों को शिकार किया जाता था, उसको हम कहते हैं पुराने जमाने में जो है hunting कहते हैं। उस पुराने जमाने में subsistence यानि कि अपनी मुजरफात के लिए की जाती थी, लेकिन now it has been on commercial basis. लेकिन अब ये लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में ज्यादा है, वहां के लोग करते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा देखा जाए तो जो डेवलप कंट्री उसमें ज्यादा हाई डेवलप कंट्री के लोग लिस्ट डेवलप कंट्री है कि इन चीजों पर अमल करते हैं, एंटिंग प्राइमरी एक्टिविटी पर, और जो इतना एक्सप्लॉयटेशन आप इसको कह सकते हैं गरीब ममालिक की। फिशिंग की तरफ आते हैं, ट्रैपिंग ऑफ वाटर लिविंग एनिमल्स फ्रॉम सी रिवर्स लेक्स ETC called fishing. It is also one of the oldest occupation with hunting of men. Now agriculture is an art of cultivating the land in terms of botanical life from soil for benefits of mankind and other living organisms for rearing it. यानी कि लैंड को कल्टिवेट करना ताकि इंसानों को फायदा पहुंचाया जा सके, इंसान उससे फायदा उठा सके, अपने जरूरत को पूरा कर सके, खुराक ले सके, ना सिर्फ इंसान बल्कि एनिमल्स भी पास्चराइजिंग के लिए, चरने के लिए, रेयरिंग के लिए, इसको हम कहते हैं। फर्स्ट एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है वो तकरीबन 10,000 कबल मसीह में आया, एज अ फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग टू एग्रीकल्चर सेटलमेंट। यानी सबसे पहला जो शोभा था वो है गैदरिंग, हंटिंग था, फिर इंसान ने अपने आप को शिफ्ट किया, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया, उसने अपनी जरूरत एग्रीकल्चर के तहत करना शुरू कर दिया। पहला जो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आया वो 10,000 कबल मसीह में आया, 10,000 बिफोर क्राइस्ट। माइनिंग की तरफ आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ओल्ड एक्टिविटी ऑफ मैन एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम होम ऑफ द अर्थ फॉर ह्यूमन बीइंग प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग। आप देखते हैं कल जाते हैं ओर्स, इसमें आयरन ओर्स, बॉक्साइट, एल्युमिनियम, इस टाइप की और दीगर मिनरल माध्यम मेटल जो है जमीन से निकाले जाते हैं, इसको पहाड़ों के डामों से निकाले जाते हैं, ओर्स के निकाले जाते हैं, कोल की माइनिंग की जाती है ताकि इंसान को फायदा पहुंचा सके, लिविंग ऑर्गेनिज्म को फायदा पहुंचाया जा सके। फॉरेस्ट्री इट इज आल्सो कॉल्ड लंबरिंग इन टर्म्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन प्रोवाइडिंग गुड फॉर यूज ऑफ मैनकाइंड कार्ड फॉरेस्ट्री लाइफ स्टॉक एंड डेयरी फार्मिंग। इन दिस वे वी कैन से एनिमल्स आर केप्ट डोमेस्टिकली एंड फार्म्ड। यानी कि इसमें जो है जानवरों को रखा जाता है डोमेस्टिकली, घरेलू तौर पर फार्म के फार्म बनाए जाते हैं, लाइक गोट, हैन, काउ, कैमल, शिप, horse, ass, elephant, etc. as cattle for getting meat, leather and milk accessories, butter, paneer, yogurt, called the stock, livestock and dairy farming. Now we move forward. Another important point I want to tell you, blue collar jobs are low income people from primary and secondary sector, especially primary sector. Thank you.